तो हे दोस्तों, कैसे आप लोग? आपका स्वागत है हिंदी में सीखो YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। जैसा कि मैं आपको पहले बताता था कि भाई आप अपने नाम का डीजे सॉन्ग कैसे बनाएंगे, लेकिन दोस्तों आज का वीडियो कुछ हटके है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी गाने में अपना नाम और फोटो कैसे डालेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं अपना नाम और फोटो डाल के रखा हूं। प्रजापति म्यूजिक, सिंगर अरविंद प्रजापति, हिंदी में सीखो, ठीक है? तो आप इस तरह से अपना नाम और फोटो कैसे डालेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा आपको 1 या 2 मिनट लगेगा और आप ये सब बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन सी एप्लीकेशन है और हम इसको कैसे यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप अपना एक प्यारा सा कमेंट करना इस वीडियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूं एप्लीकेशन कौन सी है। अगर आप उसको प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको यह एप्लीकेशन वहां पे मिल जाएगी, ठीक है? आपको टाइप करना स्टार म्यूजिक टैग एडिटर। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे स्टार म्यूजिक टैग एडिटर तो आपको यह एप्लीकेशन वहां पे मिल जाएगी। लेकिन इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में आपको कुछ परमिशन देना पड़ेगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि मेरे फोन में जितना सारा सॉन्ग है सारा का सारा आ चुका है, ठीक है? सारा का सारा आ चुका है। तो चलिए मैं आपको किसी सॉन्ग का नाम और फोटो चेंज करके दिखा देता हूं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाना है ए लवर करके और इसको किसने गाया है उसका नाम भी है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा चूज इमेज का, चूज इमेज का, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप अपनी गैलरी में आ जाएंगे, तो आपको यहां से किसी भी फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम किसी भी फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां से मैं कोई अपना अच्छा सा एक फोटो ले लेता हूं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैं एक फोटो सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों आपको नीचे का ऑप्शन मिल जाएगा सॉन्ग टाइटल का, तो आप इस गाने के टाइटल को क्या डालना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप अपना नाम डालना चाहते हैं तो आप अपना नाम डाल सकते हैं। अगर आप किसी गाने का नाम डालना चाहते हैं तो आप किसी गाने का नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है? चलो मैं डाल दिया प्रजापति म्यूजिक, ठीक है? अब आपको आर्टिस्ट पे क्लिक करना है। अगर आप ये डालना चाहते हैं किसने इसको गाया है, अरविंद PRAJAPATI, ओके। अगर आप एल्बम का नाम डालना चाहते हैं तो आप एल्बम का नाम भी डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल दिया हिंदी में सीखो, ओके, ठीक है? अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब दोस्तों अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? मतलब आप अपने हिसाब से सारी चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, अगर आप इसके ईयर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके ईयर को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हमने इतना चीज डाल दिया। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कीप का। जैसे आप कीप पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? बहुत सारा डिजाइन से आपका नाम मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप क्या डालना चाहते हैं आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं आप क्या डालना चाहते हैं, किस प्रकार से रहना चाहिए। तो चलिए हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब आपको सेव पे क्लिक कर देना है। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव का, आपको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है? शायद आपके फोन में यह ऑप्शन ना मांगे लेकिन मेरे फोन में मांग रहा है, ठीक है? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके फोन में यह ऑप्शन नहीं मांगेगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो गाना था यहां से हट चुका है, यानी कि सेव हो चुका है। जो हमारा नाम था, जो हमारा फोटो था, सेव हो चुका है, ठीक है? अब आपको अपने गैलरी में जाके उसको सर्च कर लेना है। यार काफी खोजने के बाद मिला, क्योंकि मेरे फोन में बहुत सारा सॉन्ग है और जो मैं इसका नाम चेंज किया तो बीच में जाके कहीं गुम हो गया था। तो मैं इसको सर्च किया, आप देख सकते हैं कि जो मेरा नाम था, जो मेरा फोटो था, चेंज हो चुका है। प्रजापति म्यूजिक सिंगर अरविंद प्रजापति, हिंदी में सीखो, आप देख सकते हैं सब कुछ आ चुका है, ठीक है? तो इस तरह से आप किसी भी गाने में अपना नाम और फोटो डाल सकते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए आपको सभी के नाम को चेंज करना है, ठीक है? तो आपको सभी को एक साथ में सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है?
सभी को एक साथ में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है, जो एडिट वाला पेन वाला आइकन है आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहां पे सब कुछ आ चुका है, तो आप अपने हिसाब से नाम वाम डाल के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर आप सिंगल सिंगल करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, आपका फोटो रहेगा, बाकी सब कुछ आप आसानी से डाल पाएंगे। तो बस यही था आज के वीडियो में, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, कैलेंडर मिल जाएगा, एल्बम मिल जाएगा, ठीक है, जो आप नाम और फोटो चेंज करेंगे आपको यहां पर भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल वही काम करना है, जैसे मान लीजिए मुझे इसका चेंज करना है तो आपको यहां पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको चूज इमेज पे क्लिक करना है। मैं आपको फटाफट एक और करके दिखा देता हूं ताकि समझ में आपको आ जाए। ओके, आपको किसी भी फोटो को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको नाम वाम अपने हिसाब से चेंज कर लेना है, ठीक है। चेंज करने के बाद में आपको सेव पे क्लिक कर देना है, जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं सेव हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, आप देख सकते हैं कि मेरा फोटो चेंज हो चुका, ठीक है। तो यह बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप अपना एक प्यारा सा कमेंट करना इस वीडियो के बारे में। दोस्तों आपने मेरे वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।